हेलो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो मेरे सारे कलीग्स को डेडिकेटेड है। आज हम बात करने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन के बारे में। वी लुकअप फंक्शन का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप फंक्शन। लेकिन वर्टिकल लुकअप फंक्शन को जानने से पहले हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए। तो जैसा कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसको हमें फॉलोअप करना है। ये रिपोर्ट है GSTR 3B और GSTR 1 के डिफरेंस की। इसमें हमारे पास GSTN नंबर है और जो भी डिफरेंस अमाउंट है हमारे पास डिटेल वो है। ये सारे जो भी रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं वो सब हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास GSTN नंबर तो है, अमाउंट है, लेकिन हमारे पास जो फॉलोअप करना है उसके लिए डिटेल्स नहीं है। वो डिटेल्स हमको मिल सकती है हमारे मास्टर डेटाबेस से। तो मास्टर डेटाबेस से हमें अगर डॉक्यूमेंट जो भी डिटेल फेच करना है, लाइक नेम ऑफ द पार्टी है, या अगर हमें लेटर्स लिखने हैं तो एड्रेस, कांटेक्ट करना है तो मोबाइल नंबर, ईमेल भेजना है तो ईमेल आईडी, ये हमारे पास इस जो भी फाइल है इसमें नहीं है। लेकिन ये हम जो भी हमारे पास ये डिटेल है ये हमें अगर पता करना होगा तो इसका या तो हम अपने सिस्टम में एक एक करके रिकॉर्ड को चेक करें, या फिर हमारे पास जो भी मास्टर डेटाबेस है वहाँ से किसी तरीके से इस रिपोर्ट में लेके आएं। तो उसके लिए मैंने एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल मास्टर डेटाबेस बना रखा है। इस मास्टर डेटाबेस में जैसा कि हमारे पास होता है GSTN नंबर है, नेम ऑफ पार्टी है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं। तो बेसिकली हमको इस जो भी हमारा रिपोर्ट फाइल है इसमें पार्टी का नेम लेके आना है, एड्रेस लेके आना है, उसके अलावा हमारे पास मोबाइल नंबर लेके आना है, ईमेल आईडी, सारे डिटेल लेके आने हैं इस जो भी हमारा रिकॉर्ड की टेबल है। तो इसके लिए हम एक तरीका तो ये है कि GSTN नंबर यहाँ से हम कॉपी करें, उसके बाद उस मास्टर डेटाबेस में सर्च करें और फिर वन बाय वन वहाँ से डिटेल फेच करके ले आएं। तो ये अगर दो चार रिकॉर्ड हो तो बहुत इजी होता है, बट अगर ये 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, जिसमें हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस हम फ्यू मिनट्स में कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे इस वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको नेम ऑफ पार्टी लेके आना है इस पर्टिकुलर GSTN का। तो सबसे पहले वी लुकअप कमांड के लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि दोनों फाइल हो उन फाइल में एटलीस्ट एक जो हमारा कॉलम हो वो कॉमन हो। तो हम देख सकते हैं यहाँ GSTN नंबर है और मास्टर डेटाबेस में भी एक कॉमन कॉलम होगा, वो भी GSTN होगा। तो इस GSTN के नंबर से हम दोनों एक्सेल फाइल या एक्सेल सीट को कंपेयर करके डेटा को फेच कर सकते हैं। तो हमें लाना है यहाँ पे नेम ऑफ पार्टी की, इस पर्टिकुलर GSTN का पार्टी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी है, वो हमको मास्टर डेट जो सीट है वहाँ से लेके आना है। तो इसके लिए वी लुकअप कमांड का यूज़ करते हैं। कोई भी एक्सेल का फंक्शन यूज करते समय हमें इक्वल टू का बटन लगाना होता है, देन वी लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना होता है। अब हमको सर्च क्या करना है, GSTN नंबर। तो GSTN नंबर के सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा। दूसरा वैल्यू हमें इस वी लुकअप कमांड का होता है जो भी हमारा मास्टर डेटाबेस होता है उस पूरे मास्टर डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम इस पूरे मास्टर डेटाबेस को ऐसे ड्रैग ड्रॉप करके सेलेक्ट कर सकते हैं। देन तीसरा आर्गूमेंट होता है कि इस मास्टर डेटाबेस का कौन सा कॉलम आपको है जो आपको जो रिपोर्ट की फाइल है वहां लेके जाना है। तो इसमें देख सकते हैं कि पहला जो कॉलम है वो GSTN है, दूसरा है नेम ऑफ द पार्टी है, तो हमें नेम ऑफ द पार्टी लेके जाना है इसलिए हम टू लिखेंगे सेकेंड कॉलम। देन अब हमारे पास चौथा जो आर्गुमेंट इसमें रखना है वो है ट्रू या फॉल्स। तो GSTN नंबर है वो GST से GST मैच करेगा तो वो एग्जैक्ट मैच होगा, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हमारे पास फॉल्स, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि नेम ऑफ द पार्टी यहाँ फेच होके आ गया इस पर्टिकुलर GSTN का इस मास्टर डेटाबेस से ऑटोमेटिक, ये जय भारत। अब हमको ये सारे रोज के लिए करना है तो सिंपल जैसे फॉर्मूला हम कॉपी करते हैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, तो सारे पार्टी के हमारे पास डिटेल आ गई। अब हमको एक चीज देख सकते हैं कि कोई भी फॉर्मूला हम वर्टिकली तो कॉपी कर सकते हैं लेकिन इस वी लुकअप कमांड को हॉरिजेंटल कॉपी नहीं कर सकते, इसलिए एड्रेस के लिए अगेन हमें वी लुकअप लिखना पड़ेगा। देन
हमको GSTN सर्च करना है, तो GSTN के बेस पे जो हमारी प्राइमरी की है। दूसरा आर्गुमेंट हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया, पूरा मास्टर डेटाबेस। देन तीसरा जो इस बार हमें एड्रेस लेके जाना है, तो एड्रेस हमारा यहाँ पे है थर्ड कॉलम, तो इसलिए 3। देन अगेन एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो यहाँ पे पार्टी का एड्रेस आ गया। फिर हम इसको सारे रोज के लिए ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप, तो कॉपी हो गया। देन मोबाइल नंबर, फिर वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, GSTN को सर्च करना है। किस टेबल में सर्च करना है? मास्टर टेबल में। तो पूरा मास्टर टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया। इस बार हमको ले जाना है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर हमारा कौन सा कॉलम है? 1, 2, 3 एंड 4th नंबर कॉलम, तो 4। देन फॉल्स, एंटर। ये हमारा आ गया मोबाइल नंबर। सारे रोज के लिए तो सिंपल, यहाँ पे डबल क्लिक, तो कॉपी हो गया। देन ईमेल आईडी, अगेन वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, GSTN नंबर। देन हमारा मास्टर डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, वो किसी भी दूसरी फाइल में भी हो सकती है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। लास्ट में हमको सेलेक्ट करना है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी इज 1, 2, 3, 4, 5th कॉलम, देन वी नीड टू पुट 5, देन फॉल्स, सेलेक्ट, एंटर। यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी है, सारे रोज के लिए करना है, तो एंटर। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमने इतने सारे रिकॉर्ड फेच कर लिए एक छोटा सा लॉजिक लगा के पूरे मास्टर डेटाबेस से। इस तरह से ये हम फ्यू मिनट्स में करके और अपना काम कर सकते हैं, और हमको ये रिकॉर्ड के सर्च करने में इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ईजिली ये हम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।